देखिए अफगानिस्तान की टीम T20 में स्पेशली बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके ज़्यादातर प्लेयर्स हर लीग में खेलते हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्पेशली वो एशियन कंडीशन में उनकी, क्योंकि जिस तरह का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उनके पास वर्ल्ड क्लास राशिद मुजीब, मुश्किल क्योंकि डेफिनेटली अपोजिशन कोई भी आप इंटरनेशनल अपोजिशन होती है वो हल्की नहीं होती, और जिस तरह के वो इस कंडीशन में अच्छा खेलते, तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। हमारे पास जिस तरह यंगस्टर हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, PSL में, क्योंकि PSL जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अगर उस स्टैंडर्ड में आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आपके पास वो टैलेंट है, आप जाके इंशाल्लाह वो एग्जीक्यूट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी सुनिए, शादाब एक ही वक्त में 4 से 5 सीखे खड़े को अगर आप प्रेस करते हैं और कप्तानी जो है वो आपको मिलती है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा या आपको अपने जो टीम आपको मिली है उसके ऊपर आपको एतमाद है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है इतने 5 से 1 ही वक्त पे नहीं होंगे तो आप अपनी साइड के बारे में क्या कहोगे? डेफिनेट एक्सपीरियंस मैटर, लेकिन जिस तरह के हमारे चेयरमैन सामने में बताया था कि हम बैकअप प्लान भी सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसको इस तरह मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे सारे सीनियर्स प्लेयर्स खेली जा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे यंगस्टर के लिए, क्योंकि जो प्लेयर रिसेंटली परफॉर्म कर रहा था और उसका अच्छा कॉन्फिडेंस होता है तो उनको चांस मिल रहा है, तो एक अच्छा और एक्साइटेड सीरीज होगी, और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब यंग ब्लड आता है तो उसमें एनर्जी डिफरेंट ही होती है, और कोशिश करेंगे जीतने की और अपना 100% देंगे। जी फिजान, शराब अगर हम PSL को देखें तो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स इस लीग में खेल रहे हैं, राशिद हो, फजल हो, गुरबाज हो, मुजीब हो, बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो एक उनको भी आपका पता चल गया होगा, आपको भी उनका काफ़ी पता चल गया होगा कि कैसे उनको पकड़ना है, और ऑफकोर्स जिस तरह आज फजल ने टाइम को कराया तो ये ऐसे ही रिपीट होने जा रहा होगा, फिर शारजा में जब पहला T20 होगा तो अच्छा समझ चुके होंगे सीरीज में एक दूसरे को। देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आप एक दूसरे को वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे समझा जाए तो, क्योंकि आपके पास जैसा एनालिस्ट होते हैं, आप हर रोज़ वीडियो देखते हैं तो सामने आता है, लेकिन वीडियोस में देखना और आप जब अप्लाई करना वो काफ़ी डिफरेंस है। इतना जल्दी हम आपस में, अब जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हम रोज़ एक दूसरे को नेट में बॉलिंग और बैटिंग करते रहते हैं, तो जब आप मैच सिचुएशन में जाते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है, और मुझे तो, मैं वैसे तो बताऊं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस तरह का हमारा टैलेंट नज़र आ रहा है PSL में, और जिस तरह के हमारे बेंच स्ट्रेंथ बनेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, तो एक क्योंकि आपके सीनियर के जो बेंच स्ट्रेंथ में उसका अपोनेंट नहीं कह सकते, मतलब आपका बैकअप बैठा हो और वो भी इस तरह का प्लेयर हो, तो डेफिनेटली एक प्रेशर रहता है और वो वाला प्रेशर होना चाहिए। जी लास्ट क्वेश्चन इजाज़, शादाब आपने बड़ी फेयरलेस कप्तानी की और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 250 पे 250 किया, 242 रन भी किए एक दफ़ा, सो अब आपको कप्तान बना दिया 3 मैचेस के लिए, तो जो आप फेयरलेस अंदाज में यहाँ PSL में कप्तानी कर रहे थे तो नेशनल कैप पहन के थोड़ा डिफेंसिव कप्तानी हुई या इसी अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, हारिस को उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे जल्बी यूज़ कर दिया ही है, आजम को भी? देखिए जो मुझे आता है मैं तो कोशिश करूँ मैं वैसे रहूँ, लाइक देखिए अब फेलियर्स का हम मायने ही नहीं समझ रहे, फेलियर्स होनी चाहिए लेकिन उसके साथ स्मार्ट क्रिकेट होनी चाहिए। अब फेलियर्स क्रिकेट हम खेलें ऐसे इस्लामा यूनाइटेड की मैं बात करूँ, लेकिन हम स्मार्ट क्रिकेट उस तरह नहीं खेले जिसकी वजह से हमें मैचेस कॉस्ट हुए हैं। फेलियर्स के साथ स्मार्ट क्रिकेट जब आ जाएगी तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। एक होती है कि आप फेलियर्स खेलते हो, फेलियर्स कोई भी खेल सकता है, उसमें आपके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप जब स्मार्ट क्रिकेट भी खेलोगे फेलर्स अप्रोच के साथ तो आपका सक्सेस रेशियो आपकी बढ़ जाती है, तो कोशिश करेंगे वैसी अप्रोच रहे। शदाब भाई एज अ कैप्टन जा रहे हैं तो बतौर कप्तान जो है वो टीम सेक्शन में कोई इनपुट आपसे ली गई हो या आपने कोई डिमांड की हो कि फलां प्लेयर्स अगर मिल जाएं, नो डाउट यंगस्टर्स हैं परफॉर्म करके आ रहे हैं सारे, लेकिन आपकी तरफ से कोई इनपुट जो है सेक्शन को दी गई है इस पूरे सीरीज के हवाले से जो टीम सेक्शन हुई है? मेरे ख्याल से इनपुट तो हुई डेफिनेटली, लेकिन आप अगर मेरी बात करें, क्योंकि हम लोग जो टीवी पे चीज़ें आती हैं हम वो देखते हैं, लेकिन जो सिलेक्टर होते हैं वो क्योंकि डोमेस्टिक भी देख रहे होते हैं, हम PSL की परफॉर्मेंस से एक दो परफॉर्मेंस से टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, मुझे लगता है ऐसा प्ले नहीं होना चाहिए, लेकिन जो डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं उन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्म किया और PSL में भी परफॉर्म किया, इट्स मीन कि वो उसका वो टैलेंट है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर खेल सकता है, तो सिलेक्टर ने वही
सेलेक्ट किए हैं जो पीएसएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और डोमेस्टिक में वो पहले से करते आ रहे हैं और अब पीएसएल में भी किया तो तब सेलेक्ट हुए वो। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक।